हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिस स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, कोस्टगार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिक के लिए। अभी एक सवाल बन के आ रहा था ये कि सर आप जो है ना क्वेश्चंस की क्वांटिटी को ज्यादा करो, नंबर्स को ज्यादा करो, ठीक है। कहने का मतलब आप 10 क्वेश्चन करा रहे थे, इसको ज्यादा करो। बट गाइज एक चीज ध्यान दो, पहली बात तो ये गाइज, अभी मुझे क्लास बहुत कम करानी है, फिर भी आपके डिमांड पे मैं मैथ करा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें नंबर्स नहीं बढ़ा सकता, रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कंटिन्यू मैं क्लासेज लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे देखनी पड़ेगी, और मुझे आईज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेडिकल में मैं तो फिर आउट हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही 2 बार मेडिकल आउट हो चुका हूँ, तो वो फिर से काम नहीं झेलना, ठीक है। इसकी वजह से इस बार हम लोग इतना हाई रिस्क पे काम नहीं करने वाले, 10-10 क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम तक सर, जो भी मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है वही करेंगे, ओके। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूँगा, परीक्षा ऐप पे आप लोग टेस्ट सीरीज, बहुत लोग ना डायरेक्टली नाविक जीडीवी का खरीद ले रहे हो, ये चीज ध्यान दो। जिसके बगल में सितंबर स्पेशल लिखा हुआ है वो बाई करो, क्योंकि सितंबर स्पेशल के लिए ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और इस कोड को यूज करो एग्जाम A to Z 50, ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। और परीक्षा ऐप का लिंक और ये कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एग्जाम से पहले जो डीबी का बच्चा है वो और जीडी का बच्चा है वो इस सितंबर स्पेशल टेस्ट सीरीज को लगा के ही जाना, बिकॉज एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ मॉडरेट है, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है, जैसे एग्जाम में दिया जाता है। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ऑब्वियस बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है गाइज, ए 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, जितने दिन में करेंगे जोड़ दो। सिंपल सा है, 10, 15 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और ये फाइनली आपका 6 days, ठीक है। दोनों मिलके उसको कितने दिन में क्लियर कर लेंगे, 6 दिन के अंदर खलास, ठीक है ना। चलो किसका किसका सही है अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना ये वीडियो लाइव चल रहा है, बट ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा गाइज, ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया है और अभी जो है ये प्रीमियर चल रहा है, ऐसा इसलिए ताकि नोटिफिकेशन सारे बच्चे तक पहुंच सके इसके लिए, ठीक है। अभी देखो ये किस ये चीज क्या है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यह तो बताओ बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब कहने का मतलब ये क्या कह रहा है देखते हो ना, बस मान लो ए से बी तक बस जा रही है, बीच में कहीं नहीं रुकती है, उस कंडीशन में इसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति आवर रहती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बस को पता है कि मुझे रुकना नहीं है, तो स्पीड में जा रही है। अगर वो रुक रुक के जानी होती है ए से बी तक, मान लो 2-3 पॉइंट पे रुक रुक के जा रही है, तो वैसे कंडीशन में रुकने में टाइम और स्पीड दोनों जा रहा है, तो उसका 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जा रहा है। तो बताओ एक जगह जो रुक रही है वो कितने मिनट के लिए रुक रही है। अब बोलोगे ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, बस वाले से पूछो जाके, ड्राइवर से। नहीं नहीं भाई, आप बता सकते हो, देखो कैसे, जो मतलब स्पीड दे रखा है बड़ा वाला देखो 45, छोटा 54, छोटा वाला क्या है 45, इनको माइनस कराओ कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है स्पीड का, कितने किलोमीटर पर आवर का, तो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है ना। अब देखो बिना स्टॉपेज के जा रही है वो, तो ज्यादा वही ले रहा है ना जो ज्यादा ले रहा है, मतलब समझ, जिसका स्पीड ज्यादा है तो हमेशा स्पीड किसका ज्यादा रहेगा, जो स्टॉपेज को छोड़ के बस जाएगा उसका स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगा, तो उससे डिवाइड दे दो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इतना आवर लगेगा, तो 9×6 = 54, 1/6 आवर लगेगा, 1/6 आवर के लिए रुकता है, बट आवर के लिए तो पूछ नहीं रहा भाई, ये मिनट में पूछ रहा है कितने मिनट के लिए रुकती है, तो इसको मिनट में कैसे चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। तो ये हो गया 10, तो 10 मिनट के लिए वो रुकती है, ठीक है। चलो इस तरीके से आप बना सकते थे, कुछ है थोड़ी इसके अंदर, नहीं ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अच्छा इसकी PDF ले लेना, टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF वगैरह मैं जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनकी PDF वगैरह मैं दे रहा हूँ वहीं पे, ठीक है ना। ये देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन 280 मीटर, देखो ये चीज़ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, एक पेड़ को पार कितने मिनट में करेगी वो, ठीक है, कितने सेकंड में करेगी, सो ऑप्शन सेकंड में है, ठीक है। वो देखो गाइस ट्रेन की लंबाई कितनी, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे उल्टा पलटा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। और डिस्टेंस किसको मानते हैं, ट्रेन की लंबाई को, तो ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर, ठीक है, और स्पीड अपना 63 किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही ना। और टाइम हमको निकालना है, पता नहीं है हमको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। चलो तो अब इसको आप लोग इजीली कर सकते हो, तो ठीक है ना।
अब ये 9 से कटाओगे तो 7 बार में कट जाएगा, इसको कटाओगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा ये चीज बताओ, 280 इंटू 2 बटा में 35, ठीक है ना। तो ये कटा सकते हो आप लोग, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 28, 40, तो ये 8 × 5 = 40, तो 8 × 2 = 16 सेकेंड के अंदर उसको क्रॉस कर देगी। कैलकुलेशन तक कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.4। अब देखो देखने में छोटा लगे बट घाव करे गंभीर, मतलब ये क्वेश्चन देखने में जितना छोटा लग रहा है ना उतना ही हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मतलब टाइम टेकन, और मैं जहाँ तक चैलेंज कर रहा हूँ इसको 90% बच्चे गलत कर रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर डायरेक्टली बनाएंगे तो इसको घर पे नहीं पता होगा इसका मतलब, तो एग्जाम में 90% या तो गलत बना देंगे या फिर उनमें से कुछ लोग छोड़ देंगे इसको, ठीक है। देखो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, इसको पहली बात तो ये लिखेंगे 4/10, पॉइंट हटाओगे तो यही ना। अब 4 को निकालोगे रूट से तो क्या बनेगा, ये 2 निकल जाएगा, बटा में रूट 10 का 10 रह जाएगा, क्योंकि 10 को रूट से तो निकालोगे कैसे, 10 रूट 10 ही होगा, अच्छा ठीक है। चलो अब ये रूट 10 का वैल्यू जो होता है ना वो पुट कर दो, तो रूट 10 का वैल्यू क्या होता है ये इसके लिए आपको याद करना होगा। मैं बोला ना कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, तो 3.162, ठीक है ये होता है। अब जाके इसको डिवाइड दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.63। तो इसके लिए रूट 10 का वैल्यू याद रहना चाहिए, रूट 10 का, रूट 3 का, इन सभी का वैल्यू जो है आपको, रूट 3 का तो खास करके आपके जुबान पे होना चाहिए वैल्यू, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लग रहा है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों के लिए एक निश्चित रन का औसत होता है, निश्चित औसत होता है, ठीक है। 11वीं पारी में उन्होंने 108 रन बनाए, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट दिया भाई यहाँ पे, जिससे उनके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई, तो उसका नया औसत बताओ। देखो 10 पारी में उसने कितना रन बनाया पता नहीं, ठीक है, तो 10 पारी में मान लो एक्स रन बनाया, ठीक है ना, 10 पारी में तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल, देखो एवरेज पूछ रहा है ना, तो निश्चित औसत कितना है मान लो x है, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल रन मिल गया, प्लस में 11वीं पारी में 108 रन बना रहा है, टोटल कितनी पारी हो गई 11, एवरेज हम लोगों ने माना था x, और x में 6 रन की इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 10x प्लस में 108 इज इक्वल टू 11x प्लस में 66। अब ये क्या हो जाएगा, ये 8 है ना, मैं जरा साफ साफ लिखूं, अब ये x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लो आप लोग 42 आ जाएगा, तो क्या 42 आंसर कर दे, अरे नहीं भैया नहीं, ये पूछ रहा है उसका नया औसत बताओ, पुराना वाला नहीं पूछा, पुराना वाला तो 42 हो जाता बट नया पूछ रहा है ना, तो 6 रन बढ़ा दो ना नए में, x प्लस 6 तो 42 प्लस में 6 इज इक्वल टू 48, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 6 क्या कह रहा है, जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की लॉस हो जाती है, अगर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो चलो बनाओ इसको। देखो गाइज यहाँ पे कितने लोग सही कर पाते हैं देखता हूँ मैं जरा, क्वेश्चन नंबर 6 कितने कितने बच्चों ने सही किया फर्स्ट टाइम में जरा बताना, ठीक है, क्योंकि ये अरिथमेटिक का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस दे रखा है अपने को 18,700 रुपीज, ओके। अब यहाँ पे हमको लॉस परसेंट दे रखा है 50%, तो अपना सीपी कितना हो जाएगा, हमको सीपी पता होना चाहिए, 18,700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 85 का है भैया, 100 माइनस 15% का लॉस हो रहा है ना, तो 85 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब बोलोगे यहाँ से तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस अपना आ गया 22,000 रुपया, तो अब हमको चाहिए क्या, 15% का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस पे जो है ना 15% का हमको प्रॉफिट चाहिए, तो ये काम कर दो, तो 22,000 में हमको 15% का प्रॉफिट करा दो, तो ये चीजें 00 कट जाएंगी, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको याद कर लो, 25,300 राइट आंसर हो जाएगा, मैंने एक्चुअली सॉल्व कर लिया था पहले ही, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अगर वीडियो में करने लगूं बैठ के तो आपका फालतू का टाइम जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक स्कूटर और एक टीवी की कीमतों में 7:5 के अनुपात में, मतलब एक स्कूटर का और टीवी का प्राइस जो है उसका रेशियो 7:5 है, यदि स्कूटर की कीमत एक टीवी सेट से 8,000 रुपये अधिक है तो एक टीवी सेट की कीमत बताओ। देखो मान लो स्कूटर की प्राइस 7x है और टीवी की प्राइस 5x है, तो बोल रहा है ना स्कूटर माइनस टीवी हमको दे रखा है कितना 8,000 रुपये, तो 7x माइनस 5x का वैल्यू 8,000 है, तो 2x बराबर हो जाएगा 8,000, ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया 4,000। अब पूछ क्या रहा है भैया हमसे, एक टीवी सेट की कीमत बताओ, तो टीवी सेट की कीमत क्या है 5x, तो 5 इंटू
मतलब 20,000 रुपये। टीवी सेट की कीमत 20,000 रुपये हो गई, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो गया। कुछ करना नहीं था मुझे जहाँ तक लगता है, इजीली इसको आंसर ला सकते थे। देखो अब अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो। 10 वर्ष पूर्व क्या नाम है भाई ये, सितम्मा की आयु राधा की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सितम्मा की आयु राधा की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। थोड़ा नाम सीता रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। अभी देखो गाइस क्या यहाँ पे 10 वर्ष पहले का दे रखा है, 10 वर्ष बाद का दे रखा है, 10 ईयर्स बिफोर या फिर एगो लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या रहा है, 10 ईयर्स लेटर। अभी प्रेजेंट डेज कहीं नहीं दे रखा है, पहले का और बाद में दे रखा है। सीतम्मा और क्या नाम है भैया उनका, राधा, इनका एज का रेशियो है 3:1 और 10 साल बाद हो जाएगा इनका 2:1, यही ना दुगना हो जा रहा है इसका और इसका, 10 साल पहले 3 गुना था, ठीक है। तो देखो मान लो उसका 10 साल पहले 3:1 के साथ था ना, तो हम 3x और x, 1x को x लिख रहे हैं, तो 10 साल बाद क्या हो गया, ये प्रेजेंट एज, और 10 साल बाद करेंगे तो ये रेशियो बदल जा रहा है 2:1 में, यही है ना। तो 3x प्लस में 20, x प्लस में 20 इज इक्वल टू 2/1, यही कह रहा है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस में 20 इज इक्वल टू 2x प्लस में 40, यही लिख सकते हो, और कुछ तो लिख नहीं सकते। तो x बराबर हो गया 20, तो क्या आंसर कर दे 20, भैया हमसे रेशियो पूछ रहा है ये, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, ठीक है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा ये देखो, पहले तो 10 साल पहले 3:1 था ना, तो हमको क्या करेंगे, 3x और मतलब 3 और 1 में 20-20 से मल्टीप्लाई कर दो, सितम्मा और क्या नाम था इसका, राधा का, ठीक है। तो 10 साल पहले क्या था, तो 3 था, तो 20 × 3 = 60 और ये 20 साल की थी 10 साल पहले, ठीक है। 10 ईयर्स एगो कर दो, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा भैया, प्रेजेंट एज उनका 10 साल जोड़ लो इसमें, 70:30, तो 7:30, 7:3 अपना राइट आंसर हो गया, तो प्रेजेंट हो गया 7:3, ठीक है। जरा मैंने काफ़ी घुमा दिया, बट आपको इतना टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं थी, आप चाहे थे तो कम टर्म्स के अंदर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, मुझे समझाना था तो मैंने इतना लिखा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक कॉलेज की सप्ताह के पहले दिन, पहले 3 दिनों में औसत उपस्थिति 325 है और पहले 4 दिनों में 320 है, तो चौथे दिन कितने उपस्थित थे। देखो फर्स्ट 3 डेज कितनी थी, 3 डेज में उसकी जो एवरेज थी ना, ये 3 to 5, तो एवरेज थी ना, तो टोटल हम क्या करेंगे 3 दिन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल आ जाएगा 975, ठीक है। और क्या कह रहा है, पहले 4 दिन, तो फर्स्ट 4 डेज का क्या था अपना भैया, ये 320, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो इसको 320 को, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो 0 × 4 × 8 = 12, 1280, तो बस सिंपली जो बड़े में से छोटे हो घटा दो, 1280 - 975, जो आंसर आ जाएगा आपका वो आंसर हो जाएगा 305, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, जो बड़ा वाला वैल्यू था छोटे वाले में से घटाओ, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 की अवधि के लिए 7300 रुपये पर 12% की प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज निकालो। देखो 5 जनवरी से 2007 से लेके आपको क्या क्या रहा है भैया, कितने तक, वो 18 अप्रैल, ठीक है, 2007 तक, ठीक है। तो बताओ इसमें टोटल कितने डेज हैं, 31 डेज होते हैं, 31 में से आपको 5 घटा लो, 26 डेज बचे हैं, ठीक है। पहले समझो कितने डेज की ये कह रहा है, फिर फरवरी के अंदर कितना डेज होगा 28, मार्च में कितना डेज होगा 31, और इसके अंदर अप्रैल में 80 डेज, इन सबको जोड़ लो, ये कुल मिला के 103 दिन आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 103 दिन का निकालना है, तो देखो ये गाइज यहाँ पे कह रहा है 7300 रुपये को 12% के हिसाब से 103 दिन के लिए, तो 12 ये 100 तो हो गया अपना फॉर्मूला से, और यहाँ पे 103/365 करेंगे, क्योंकि क्या 365 क्यों, क्योंकि एक साल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब अगर हमको ईयर में बदलना हो 103 दिन को, तो 103/365 करोगे तब जाके ये ईयर के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए मैंने ईयर के फॉर्म में उसको चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि डेज के हिसाब से हम लोग नहीं लेते हैं। अब इसको जाके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है, 73 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये कट जाएगा, ठीक है। तो 12 × 103/5 कर लो, आपका जो आंसर आता है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा 247.20, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो तो गाइज यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और एक चीज़ जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने जितने बच्चे लाइव मतलब वीडियो को देख रहे हो,
जाने से पहले ये सितंबर स्पेशल वाला ध्यान में रखना, एग्जाम से पहले आपको ये टेस्ट सीरीज लगा लेना होगा, एग्जाम A to Z 50 कोड यूज कर लेना ताकि 50% का डिस्काउंट मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना A to Z स्टडी को, और कुछ नहीं, बाय बाय।